तीसरे विश्व युद्ध का गल्फ फ्रंट खुलने जा रहा है। गल्फ के जंगी मैदान में रूस की एंट्री हो गई है। अमेरिका और इजराइल पर हमला करने के लिए रूस ईरान को विनाशक फाइटर देने जा रहा है, जिससे बाइडेन और नेतन्याहू दोनों भड़क गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने रूस और ईरान के खिलाफ बहुत बड़ा बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया है। तो सवाल यही है कि क्या बारूदी बिसात बिछ चुकी है? क्या सुपर पावर टकराने वाले हैं? क्या गल्फ न्यूक्लियर अटैक का नया सेंटर बनने जा रहा है? अरब में महायुद्ध की आग भड़कने जा रही है, गल्फ में न्यूक्लियर कदर मचने जा रहा है। एक तरफ है रूस, चीन और ईरान, तो दूसरी तरफ है अमेरिका, नेटो और इजराइल। दोनों गुट फारस की खाड़ी में टकराएंगे और अब तक की सबसे बड़ी तबाही लाएंगे। अरब में बहुत बड़ा बारूदी बवंडर उठने का ऐलान तब हुआ जब बाइडेन और पुतिन दोनों ने युद्धक कदम आगे बढ़ा दिया। पुतिन बाइडेन को उन्हीं के स्टाइल में घेर रहे हैं। जिस तरह अमेरिका रूस के दुश्मन यूक्रेन को मिलिट्री मदद मुहैया करवा रहा है, उसी तरह पुतिन विनाशक वेपन देकर सुपर पावर के सबसे बड़े शत्रु ईरान को अमेरिका के खिलाफ गल्फ वॉर के लिए तैयार कर रहा है। अरब युद्ध को लेकर पुतिन का विध्वंसक प्लान जैसे ही सामने आया, अमेरिका दहशत से भर गया। उसने इसराइल के साथ रूस और ईरान पर हमले करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। अमेरिका का ये युद्धाभ्यास कितना बड़ा और घातक है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मॉस्को के उस ऐलान को जान लीजिए जो अरब वॉर फ्रंट को खोलने जा रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूस अपने साथी ईरान को मोस्ट एडवांस्ड MI-28 फाइटर जेट और KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर देने जा रहा है। ये वही रूस है जो ईरान को 24 सुखोई 35 फाइटर जेट्स पहले ही देने का फैसला कर चुका है। सुखोई 35 फाइटर जेट्स मार्च में रूस से तेहरान पहुंचने वाले हैं। रूस के ये लड़ाके ईरानी वायुसेना के बेड़े में शामिल होते, उससे पहले ही पुतिन ने तेहरान को MI-28 फाइटर जेट और KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर देने की फाइल पर साइन कर दिए। 23 जनवरी को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तेहरान में रशियन ड्यूमा के चेयरमैन वोलोदिन से मिले और इसी मीटिंग में अमेरिका और इजराइल को टेंशन देने वाली डील सील हो गई। पुतिन ईरान को MI-28 और KA-52 का जो अपडेटेड वर्जन देने जा रहे हैं, रूसी एयरफोर्स उसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में भरपूर कर रही है। रईसी यूक्रेन और नेटो के खिलाफ शुरू से ही पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं। तेहरान रूसी फौज को लगातार कामिकाजी ड्रोन और मिसाइलों की खेप भेज रहा है। ईरानी ड्रोन से ही पुतिन पलटन यूक्रेन को तबाह कर रही है। बदले में अब पुतिन अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान को ताकतवर बना रहे हैं, ताकि ईरान इस स्थिति में पहुंच सके कि इसराइल और अमेरिका पर बड़ा प्रहार कर पाए। पुतिन रईसी को सिर्फ फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर ही नहीं दे रहे, बल्कि न्यूक्लियर हेल्प भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एटम बम बनाने में रूस ईरान की मदद कर रहा है, तकनीक के साथ जरूरी सामान दे रहा है, ताकि ईरानी फौज अमेरिका और इसराइल पर परमाणु प्रहार के लिए रेडी हो सके। पुतिन के इस फैसले से अमेरिका और इसराइल इतने घबरा गए कि पूर्वी भूमध्य सागर में जुनिपर ओक 2023 नाम से वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। 27 जनवरी तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 140 अमेरिकी फाइटर जेट्स, एटम बम बरसाने वाले B-52 बॉम्बर, MQ-9 ड्रोन्स, 12 वॉरशिप और एक सबमरीन शामिल हो रही है। अमेरिका और इसराइल वॉर की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गल्फ में रूस की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। इस एंट्री से अरब में किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।